पदमनी छत्र मुकुट सिरसो हे श्रुत कुंडल मन मोहे दृगजो हे सकल देवगण अरु गंगाधर डिमिक 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 डमरु डिमिक डिमिक डमकृत 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 नारदादि गुण गावत वीन बजा अवधपुरी प्रभु आवत जानी। प्रभु श्री राम अवधपुरी आ रहे हैं और इस खुशी में आज दीपोत्सव है तो गीत संगीत भी क्यों ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा स्वागत का जो अच्छा माध्यम है वो गीत संगीत ही है। लेकिन यहाँ पर अयोध्या में जो खास वाद्य यंत्र दिख रहा है वो मृदंग है। देवताओं का वाद्य यंत्र ये है, यानी कि देव इसको बजाते हैं और देवता ही इंजॉय करते हैं, और जो खास अवसर होते हैं उन सब पर ये देवताओं के यहाँ बजता रहा है। विजय रामदास जी और अभय रामदास जी और इनके साथी हैं, पागलदास जी के आश्रम में हम हैं, क्योंकि अयोध्या का कण कण आज खुश है, प्रसन्न है और इसीलिए मृदंग बज रहा है। क्या कहेंगे जी? बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। आज दीपोत्सव का जो है पूरा आनंद का माहौल है और आनंद का अवसर है, और यह वाद्य जो है यह देवी देवताओं का वाद्य है। वैदिक काल, पौराणिक काल और रामायण महाभारत के काल में इस मृदंग वाद्य के माध्यम से ही पूरे हर्षोल्लास के साथ लोग खुशी मनाते थे, और आनंद के अवसर पर यह मंगल वाद्य अवश्य बजता है, और इसी वाद्य इसी मंगल कामना के साथ आज हम भी मंगल वाद्य कहो। बिल्कुल मंगल वाद्य है, और सबसे बड़ी बात यह है कि राम के जीवन से हम शिक्षा लेते हैं, लेकिन राम के जीवन में कई ऐसे प्रसंग आए, जब राज्याभिषेक हुआ, जब सीता यानी जानकी से विवाह हुआ, उस अवसर पर जरूर आनंद जो मनाया गया होगा उसमें यह मंगल वाद्य यंत्र बजा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हर अवसर पर बजा है मृदंग वाद्य। हमने बताया ना कि मंगल वाद्य है ये, तो देखिए इसी से संबंधित एक परण सुनाते हैं कि इस परण का नाम है राज्याभिषेक परण। साथ में बोलना, 2 3 4 प्री गदि गण धा गदि गण राजत सिंहासन रघुभूषण जनक लली संग रुचिर बनी चमकत चंद्र प्रभासी ज्योति विकासी खासी कंदर्प दर्प दमनी छत्र मुकुट सिरसो हे श्रुत कुंडल मन मोहे दृगजो हे सकल देवगण अरु गंगाधर डिमिक डिमिक डिमि डमरु डिमिक डुमकृत धुमकृत 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 गृधा नारदादि गुण गावत वीन बजा चरण कमल चापत कपकी हरि प्रमुद जनगण धकिट धकिट धट सुफल भयो दृग निरखत सिय राम की झांकी 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 धा सिय राम की झांकी 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 धा सिय राम की झांकी 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 धा। अब देखिए बिल्कुल अब मृदंग में हम देखेंगे इसको, सुनेंगे किस तरह से, क्योंकि राम की खूबसूरती का, राम के सौंदर्य का वर्णन हर जगह किया गया है। अब आप देखिए कि किस तरह से मृदंग यानी कि ये मंगल वाद्य यंत्र इसको प्रस्तुत करेगा। बिल्कुल अभय रामदास जी, ये बताइएगा कि आज दिए जलेंगे आपके इस मठ में भी, आज सबसे ज़्यादा खुशी का मौका है? बिल्कुल जलेंगे, और इससे जो है बढ़कर और कोई खुशी हो ही नहीं सकती है। और आज जो है दीपोत्सव का जो महापर्व है, आज हनुमान जयंती भी है, और मंगलवाद्य मृदंग के माध्यम से हम लोग भी सब लोग बैठे हैं, और आज अनवरत कार्यक्रम के यहाँ सिलसिला जारी है और रहेगा। अनवरत ये सिलसिला जारी है, हम भी चाहेंगे कि संगीत का ये सिलसिला न रुके, क्योंकि प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं, वो उपलक्ष्य वो मौका जिसके लिए सब तैयार हैं, जिसके लिए पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है अपने प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्वागत करने के लिए, और ये स्वागत बिल्कुल त्रेता युग जैसा है, और अयोध्या का कण कण इसमें मुस्कुरा रहा है। तो संगीत के जरिए प्रभु श्री राम का ये स्वागत अयोध्या में।